हम हमारे हिमाचल के भटियात के एक उभरते हुए एक चित्रकार अनूप कुमार, जिसके बारे में हम पिछले 3-4 दिन से आप लोगों से उसका परिचय करवा रहे हैं। आज हम अनूप कुमार की मुलाकात जो है वो हमारे भटियात क्षेत्र के ही चवाड़ी के हमारे सहयोगी हमारे पूजनीय श्री नरेश चंद गुलशिया जी से करवा रहे हैं। श्री नरेश चंद गुलशिया जी एक उम्दा चित्रकार हैं, काफ़ी पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है शौकिया तौर पर। बैंक में कार्यरत श्री नरेश चंद गुलशिया जी ऐच्छिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं बैंक से, और अभी यहीं पे पेंटिंग्स बनाते हैं, जो कि इनके रूम में अपने शौकिया तौर पे जितनी पेंटिंग करते हैं बहुत ही लाजवाब है, उनसे भी आपको मुलाकात करवाएंगे। पर अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं अनूप कुमार, जो हमारे इस तरह बैठे हैं, और साथ में है श्री नरेश चंद गुलशिया जी, हमारे आरएफसी के चेयरमैन श्री राम प्रसाद शर्मा जी। आज हमारा इस साक्षात्कार में मुख्य विषय रहेगा अनूप कुमार को कला के, जो कि अनूप कुमार बहुत ही अच्छी कला पहले से भी करता है, पर उससे भी अधिक कैसे वो उसमें निखार लाए, इसके लिए श्री नरेश चंद गुलशिया जी से हमारा निवेदन रहेगा कि वो उसे कुछ गाइड करें कि वो किस तरीके से और भी अधिक अच्छे तरीके से पेंटिंग्स बना सकता है। तो गुलशिया जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अनूप की कला को आरएफसी क्लब के कार्यक्रम में 2 साल पहले भी देख चुके हैं, आप बताएंगे कि आप इन तस्वीरों के बारे में, जो एक हम खुद ही कह सकते हैं कि बोलती हुई तस्वीरें हैं, इनके बारे में आप अनूप कुमार को क्या कहेंगी और इसको निकट भविष्य में कैसे आगे हो सकता है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, जैसा कि अभी आपने मेरे परिचय में बताया, 2 साल पहले जरूर मैंने आप ही के कार्यक्रम में चौगान में अनूप कुमार द्वारा बनाए गए चित्र देखे थे और मैं बहुत हैरान हुआ कि ये बच्चा जो है, ये मेरा ख्याल उस वक्त 10वीं क्लास में था, और जो चित्र इसने वहां पर प्रदर्शित किए थे वो बड़े लाजवाब थे, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये एक 10वीं क्लास का बच्चा जो है इतनी खूबसूरत चित्र बना सकता है। जी जी, इसके हाथ में इतनी सफाई है कि ये एक कुदरती तौर पे टैलेंटेड बच्चा है। जी, तो मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी की तस्वीर अनूप जी ने ये बनाई है, तो आप खुद ही देखिए ये कितनी साफ गोई से इसने बनाई है। जी जी, कितनी बारीकी से ये चित्र अनूप ने बनाया, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मटेरियल अनूप ने इस्तेमाल किया है वो बड़ा ही आम किस्म का मटेरियल है। जी जी जी, कोई खास मटेरियल इसने इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपल कलर है, साधारण से कलर है, पेंसिल है, और वो जो बच्चे स्कूल में कलर पेंसिल इस्तेमाल करते हैं वही इसने इस्तेमाल की है। जी जी बिल्कुल, जबकि जो कलाकार है उनको कोई चित्र बनाने के लिए खास तरीके का सामान चाहिए होता है, खास तरीके के कलर चाहिए होते हैं, लेकिन असली कलाकार जो है, जिसके मन में कला है, जो कुदरती तौर पे टैलेंटेड है, उसको मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा मटीरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अनूप कुमार, वो कोयला भी पकड़ लेगा, 4 लाइनें खींच देगा, उसमें रंग कोई भी भर देगा, यहाँ वहां से उठा के वो चित्र उसका बन जाएगा। तो वैसा ही कलाकार अनूप कुमार है। तो ये चित्र आप देखिए, मैं चाहूंगा कि ये चित्र जो है ये इतना खूबसूरत है और इतनी बारीकी से बनाया अनूप कुमार ने कि कोई मछा हुआ कलाकार ही ऐसा चित्र बना सकता है। मतलब ऐसी प्रतिभाएं हैं हमारे यहाँ पे छिपी हुई हैं। मैं कहता हूँ मैं हैरान हूँ खुद। हाँ जी जी, मैं खुद भी इस बच्चे की तरह ही शौकिया चित्रकारी किया करता था अपने स्कूल में। मैं डब्ल्यू स्कूल में था, वहीं से मैंने मैट्रिक की, और अनूप की तरह ही मैं वहाँ अपनी क्लास में स्कूल में एक ऐसे ही चित्रकार जाना चाहता था मैं,
तो मेरे चित्रों की प्रदर्शनी वहां की जाती थी। देखिए और इसी तरह ये आपने जैसे बताया, ये जो चित्र इसने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बनाया है, मुझे बताइए ये इतने साधारण रंगों से, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ पेंसिल की शेड्स इसने दी हैं, और एक एक फीचर जो है ये नरेंद्र मोदी जी का इसने सामने आपके लाके, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मोदी जी सामने बैठे हो, बिल्कुल सामने बैठे हैं, बिल्कुल बोलती हुई तस्वीर है। जी जी बिल्कुल। और ये कोई मजा हुआ कलाकारी कर सकता है, और ये बड़ी हैरानी की बात, और मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों ने इससे मुझे आज मिलाया है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि ऐसा कलाकार जो एक दूर दराज के गांव में है, हाँ जी, हाँ जी। और जिसकी बैकग्राउंड जो है वो भी ऐसी नहीं है कि भी वो जो कोई जिसमें कोई कला का कोई ऐसा वहां पे रहा हो माहौल, तो स्कूल में जैसे आपने बताया कि कनेक्टिविटी भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र में रहते हुए इसने ये कला की साधना जैसे की है अपने आप, तो ये अपने आप में मैं कहता हूँ बहुत प्रशंसनीय है। और ऐसे बच्चे को बस थोड़ा सा बूस्ट चाहिए हम सब लोग मिलके। ये फोकस हिमाचल में इस वक्त लाइव चल रहा है, तो फोकस हिमाचल ने भी इसको जो था अपने इसमें फ्रंट पेज में, जिसे बहुत बड़ी एक मतलब बोला जाता है भटियात क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि अपने फोकस हिमाचल के पहले पन्ने पे इस बच्चे की कला को, जबकि उन्होंने इसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, सिर्फ जो इन्हें तस्वीरें भेजी गई उसी से प्रभावित होकर फोकस हिमाचल ने ये जो था वो अनूप कुमार को जगह दी। तो हमारा तो यही रहेगा कि इसे आगे भी ये इसी तरीके से कामयाबी हासिल करे। पर अभी आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि अनूप कुमार को अभी तक तो ये एक कागज, जैसा आपने बताया कि बहुत मतलब साधारण से भी साधारण चीजों का यूज करके भी असाधारण जो है वो पेंटिंग जो प्रस्तुत कर दी, जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं स्कूलों में आप जी, वही है। जी जी जी। तो हम चाहेंगे कि जो आपने थोड़ी सी पेंटिंग्स बनाई हुई है बहुत ही उम्दा, उनसे जरा अनूप कुमार को रूबरू करवाएं। आप बिल्कुल, मैं जरूर करवाऊंगा। निवेदन करूंगा कि अनूप कुमार इनकी श्री गुरुशिया जी की फोटो को, यहाँ ये मेरे रिव्यू की लगी हुई है। सबसे पहले ये अनूप, ये देखिए पीछे ये कैनवास पेंटिंग है, इधर ये कैनवास के ऊपर बनाई है मैंने। तो कैनवस बेसिकली क्या होता है, एक मोटा कपड़ा होता है जिसके ऊपर पेंटिंग की जाती है। तो ये कैनवस है और इसके जो कलर होते हैं रंग ऑयल पेंट्स वो अलग तरीके के होते हैं, ब्रशेस जो हैं वो भी अलग तरीके के होते हैं। तो ये दो पेंटिंग्स ये कैनवस पे हैं, और ये जो है ये चित्र जो मैंने बनाया ब्रह्मांड का, ये बोर्ड के ऊपर है, ये हार्ड बोर्ड है। इस पर जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं वो इन रंगों से अलग किस्म के, ये एनेमल्स हैं, है ना, ये जो है ये पानी से ना धुलेंगे ना खराब होंगे, इनकी चमक ऐसी कैसी रहेगी। यानी कि कलाकारी के चित्रकारी के बड़े सारे मीडियम्स हैं। मिसाल के तौर पे ये भी एनेमल पेंटिंग है, ये भी बोर्ड के ऊपर है, एक जंगल का चित्र है ये आपके सामने, और ये एक बड़ी पेंटिंग, ये देखिए ये भी बोर्ड के ऊपर है। अनूप अगर कुछ पूछना चाहे तो साथ में पूछ भी सकता है। एक प्रश्न मेरे दिमाग में भी है कि जैसे एक पेंटर जब इसे बनाने लगता है तो कितना समय इसके लिए लग जाता है, या फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस होता है? नहीं, एक तो ये है कि एक चित्र है जिसको आपने सिर्फ देखकर बनाना है, उसको बनाया जा सकता है। बेसिकली क्या है कि जितनी भी चित्रकारी है, जो भी चित्रण है, कोई भी कलाकार करता है, वो सारी की सारी एक प्रकृति की नकल ही मानी जाती है। असली कलाकार तो वही है, वो एक चित्रकार या कलाकार उसकी नकल ही करता है। तो कोई पेंटिंग आपने जैसे शुरू की है, अगर नकल की है तो आप उसको जल्दी खत्म कर सकते हैं, आपके सामने बनी है चीज उसी को देख देख के आपने बनाना है। अगर आपने उसको अपनी कल्पना से और उस कल्पना के पीछे जो विचार है उसको लेकर कुछ चित्रण किया है, तो जाहिर है फिर उसमें काफी समय भी लग सकता है उस विचार को बार बार पकड़ने में। और अभी तक बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स हैं
जो माननीय गुरुशिया जी ने बहुत ही मेहनत से अपने हाथों से बनाई है, और ये बेचते सामान का भी बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ बेचते सामान पड़ा है, उसको ये बेस्ट नहीं होने देते, कलाकार की जो निशानी है। दरवाजे के ऊपर आप देख सकते हैं उसको भी इन्होंने किस तरीके से खुद तैयार किया है, और अंदर जब आप आएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें अनूप कुमार जितना सीख पाएगा। हाँ, ये देखिए कुछ धार्मिक चित्रकारी है, यानी कि ये महापुरुषों के चित्र हैं। गुरु नानक देव जी का ये चित्र आप देख सकते हैं, अली बाबा हैं हमारे सामने। हाँ, ये साईं बाबा जी का बहुत ही जैसे कि बोलता हुआ चित्र, जैसे ये उन्हें कह रहे थे, मैं तो कहता हूँ ये भी एक बोलता हुआ चित्र है, आशीर्वाद देता हुआ, और किस तरीके से रंगों की जुगलबंदी कहेंगे इसे हम। जी हाँ, ये भी एक चित्रकार द्वारा बनाया गया साईं बाबा जी का वो चित्र है। शिरडी में हम एक बार गए थे तो वो मैं चित्र मुझे बड़ा पसंद आया, तो उसको मैंने कहा मैं अपने ढंग से बनाता हूँ, तो ये उसी का ही। और ये मुझे लगता है राधा कृष्ण। जी हाँ, ये राधा कृष्ण बहुत ही सुंदर, देखिए राधा कृष्ण की भी इन्होंने कुछ चित्र उकेरे हैं, और इन्होंने अपनी दीवारों पे ये पेंटिंग लगाई हुई है। ये आपके पीछे कुछ छोटी पेंटिंग जो कि यहाँ पे रखी हुई है, अनूप कुमार देखिए इनको। हाँ, ये देखिए, ये बेसिकली इसको वाटर कलर पेंटिंग कहा जाता है। जिस तरह अनूप कुमार सिर्फ वो अपनी पेंसिल और कलर से करता है, तो ये पानी वाले रंग होते हैं, तो अनूप कुमार को पता है। अब ये धीरे धीरे जब कोशिश करेगा अनूप भी जान जाएगा ये क्या है। जी सर, पहले सर आपसे मिलने का अवसर मिला था, हाँ, लेकिन बात नहीं हो पाई। अभी अभी आपको इस कलाकृति को देख रही, परंतु मैं अपनी मतलब उसको मैं फोटो को देख कर ही बनाता हूँ, पर मैं आपकी तरह कल्पना के जरिए सुंदर चित्रों में कैसे ढाल सकूं? आप ढाल सकते हैं। देखिए, कल्पना तो सबके पास होती है, हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई कल्पना जरूर करता है। अब उस कल्पना को चित्र में कैसे ढालना है, तो ये आपके ऊपर है कि उस विचार को एक कवि होता है वो कविता में ढाल देता है जी, ठीक है ना, और एक लेखक है वो एक कहानी में ढाल देता है उसको, चित्रकार उसको चित्र में उसी विचार को उसी कल्पना को वो उतार देता है। तो बिल्कुल आपने ऐसा ही करना है, क्योंकि चित्रकार की जो सबसे बड़ी कलाकार की जो एक पूंजी है वो उसकी कल्पना शक्ति ही है। जब तक उसकी कल्पना उसके पास है, उसके पास विचार है, तो वो उतार सकता है उसको, और उसके पास ही मीडियम यही माध्यम होता है। सर, ये अभ्यास का कार्य या फिर मानसिक क्षमता? नहीं, ये अभ्यास ही है। हर कला में सबसे पहले अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, जैसे तुम कर रहे हो बहुत बढ़िया अभ्यास है तुम्हारा, सारी कला जो है उसी उसका आधार अभ्यास ही है। उसमें ये कहा जाता है कि 33% अभ्यास, फिर 33% अभ्यास, फिर 33% अभ्यास, और 1% वो जो आपने कहा जी। कला है उसी चीज का। इसी तरह ये कि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर इसको जितनी दूर से जितना बड़ा चित्र होता है ना, उसको उतनी ही दूर से देखा जाता है। पास से देखोगे आपको इतना वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये चित्र ही दूर से देखा गया है, तो आप जितना दूर जाओगे ये उतना ही खूबसूरत नजर आएगा। तो आज की आपने ये मुलाकात देखी, एक
आर्टिस्ट जो होता है, कलाकार जो होता है, उसे जब दूसरा कलाकार मिलता है तो बहुत कुछ सीखता है। और अनूप कुमार के लिए तो ये बात बिल्कुल ठीक मायने में सही भी बैठती है कि अनूप कुमार एक बहुत ही छोटे गांव से है जहां पे इन चीजों को इतना अधिक तवज्जो नहीं दी जाती। आज ये चुवाड़ी में आके आज जब यहाँ पे इन्होंने श्री गुलशिया जी से ये बातें सीखी तो यहाँ पे इन्हें बहुत कुछ पता लगा होगा। एक चित्रकार जब अपनी कला को जो है वो कागजों में रंगों के माध्यम से पिरोता है तो एक कहानीकार उस पर एक कहानी लिख लेता है, एक कविता, एक कवि जो है उस पर एक कविता लिख लेता है, और इस तरीके से एक ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। हमें उम्मीद है कि अनूप कुमार जब अगली बार यहाँ पे आएगा तो उसमें और ज्यादा अधिक बदलाव आया होगा, और अधिक ज्यादा निखार आया होगा, और वो कुछ कल्पना से जो कि अनूप के दिमाग में अभी प्रश्न भी पैदा हुए और माननीय गुलशिया जी ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझाया भी, तो जब अगली बार आप अनूप की तस्वीरें देखोगे तो उसमें एक कल्पना होगी, एक अलौकिक चीजें होंगी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं गुजारिश करूंगा कि आपको चित्रों के साथ छोड़े जा रहा हूं, आप थोड़ा सा चित्रों का आनंद लीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।